मेरे चैनल फ्लेवर्स ऑफ किचन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पंचमेल अचार, गाजर, गोभी, मूली, गाजर और हरी मिर्च, मटर का बहुत टेस्टी अचार। आप इसको किसी भी पराठे के साथ, किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो आइए बनाते हैं पंचमेल अचार। फ्रेंड्स, गाजर, मूली, गोभी के अचार के लिए हमने जो जो सामान लिया है वो देख लेते हैं। मैंने एक कटोरी मटर लिए हैं और ये 250 ग्राम गोभी है, हमने छोटा गोभी का फूल लिया था जिसके हमने पीसेस कट कर लिए हैं। आधा किलो गाजर है और आधा किलो ही मूली है, 8-10 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने लंबे लंबे स्लिट में काट लिया है। अब हम मूली को भी हमें इस तरह से काटना है, आप साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको छोटे टुकड़े करने हैं मूली के तो आप छोटे कर सकते हैं। इसी तरह से हम गाजर भी काटेंगे, लेकिन हम गाजर में ही ये वाइट वाला सेंटर वाला पार्ट निकाल देंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, ये गाजर मूली का अचार जो है ये इंस्टेंट अचार है, आप इसे अगले दिन खा सकते हो, लेकिन हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब हम इनको 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख देंगे जिससे कि थोड़ा सा इसके अंदर का जो पानी है वो अब्सॉर्ब हो जाए, क्योंकि हमें इसे स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए धूप दिखानी बहुत ज़रूरी होती है अचार को। तो हम इसे 2-3 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं सूखने के लिए, उसके बाद हम डालेंगे गाजर, मूली, गोभी का अचार। 1 घंटे बाद हमारे गाजर, ये सारी जितनी भी सब्जी हमने काट के धूप में रखी थी, 1 घंटे में इनका पानी बिल्कुल निकल गया है। देखिए, अगर आपको इंस्टेंट बनानी है तो आपको मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप धूप में रखो, लेकिन अगर आपको स्टोर करना है तो इनको धूप ज़रूर लगवानी चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप 1 घंटे भी रख सकते हो, 2-3 घंटे के लिए भी रख सकते हो। अगर आपको काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 घंटे के लिए इसे धूप में रखें। तो अब आइए हम डालते हैं गाजर, मूली, गोभी, मटर का अचार। आप चाहो तो उसके अंदर अदरक भी यूज़ कर सकते हो, अदरक के पीसेस लंबे लंबे काट के आप 1/4 कप अदरक भी इसमें डाल सकते हो। तो और हमें क्या क्या मसाले चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो मैंने लिया है 6 टीस्पून, ये हमने लिया है ब्लैक मस्टर्ड पाउडर है। आप चाहो तो पीली वाली सरसों का भी ले सकते हो, मैंने काली वाली सरसों यूज़ करी है, तो ये 6 चम्मच हमने लिया है काली सरसों का पाउडर। साथ में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून है ये हींग, सॉल्ट है 1 टीस्पून, बाकी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, क्योंकि हम हरी मिर्च भी डाल रहे हैं इसके अंदर। साथ में 1/2 चम्मच के ही हमने हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें वाइट विनेगर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहो तो 1 नींबू का रस भी ले सकते हो। और मैंने लिया है 1 कप के करीब सरसों का तेल, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह गरम कर लिया है। अब हम अचार डालते हैं। हम एक बॉल ले लेंगे, उसके अंदर हम ये सारी सब्जियां डाल लेंगे। सब हम इकट्ठे ही डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मटर को भी, अगर आपने आज से पहले कभी मटर नहीं डाले हैं तो आप डाल के जरूर देखिएगा, मटर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये सब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून हमने लिया है, हम हींग डालेंगे इसके अंदर, सॉल्ट और साथ में काली सरसों का पाउडर। और अब हम इसके अंदर ये जो हमने तेल गरम करा है सरसों का, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये पूरा हमने 1 कप लिया है और इसे हम अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेंगे।
यह अचार आपका कल से खाने लायक हो जाएगा। आप चाहो तो इसको 6-7 घंटे बाद भी खा सकते हो, कि आपने सुबह डाला है तो आप इसको रात को खा सकते हो, लेकिन अगले दिन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप चाहो तो इसमें थोड़ी अजवाइन भी क्रश करके डाल सकते हो। देखिए सारे मसाले आपस में मिक्स हो गए हैं अच्छी तरह। अब हम इसमें डाल देंगे व्हाइट विनेगर, ये हमने लिया है 1 टीस्पून। फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगता है ये अचार, सर्दियों में हर चीज के साथ आप इस अचार को खा सकते हो, खासकर पराठों के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है गाजर गोभी मटर का अचार। देखिए फ्रेंड्स हमारा अचार बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। हमारा अचार बनके तैयार है, इसे हम एक बर्तन में खाली कर लेंगे इस तरह से। आप इसे एयरटाइट कंटेनर के डब्बे में बंद करके रख सकते हैं और आप इसको 2-3 महीने तक खा सकते हैं, ये कहीं ख़राब नहीं होगा अचार आपका। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा हमारा गाजर गोभी मटर का अचार डला है। फ्रेंड्स अगर आपको इस अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय बाय।